नमस्कार, मैं तुषार गुप्ता डीएलएड के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है पर्यावरण अध्ययन में अधिगम संसाधन, महत्व, प्रकार व उनका उपयोग। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अवलोकन, अन्वेषण एवं नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, परंतु इससे पहले हमें पर्यावरण को समझना होगा। पर्यावरण के अर्थ को केवल संज्ञा के रूप में समझना अपूर्ण होगा जब तक कि उसे प्रक्रिया के रूप में ना समझा जाए। उदाहरण के लिए, पर्यावरण का निर्माण जैविक तथा अजैविक दोनों तत्वों से मिलकर होता है। साथ ही हमारे परिवेश में होने वाली प्राकृतिक व अप्राकृतिक सभी परिघटनाएं, जैसे कि बारिश का होना, ऋतु परिवर्तन, हिमखंड का पिघलना, जनजीवन, रीति रिवाज आदि सभी क्रियाएँ भी पर्यावरण को ही परिभाषित करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें वे सारे प्रमुख घटक शामिल होते हैं जिनसे किसी मनुष्य का जीवन और उसकी जीविका चलती है। पर्यावरण के वर्गीकरण को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, संज्ञा और क्रिया रूप में। संज्ञा के अंतर्गत पर्यावरण जैविक और अजैविक होता है, जबकि क्रिया रूप में यह प्राकृतिक और मानव जनित होता है। आगे हम अधिगम संसाधनों की चर्चा करते हैं। अधिगम को सरल, स्पष्ट, रोचक तथा सफल बनाने के लिए शिक्षण में विभिन्न सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं सामग्रियों को अधिगम संसाधन कहा जाता है। अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने एवं सभी स्तर के विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए शिक्षक अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है। अधिगम सामग्री के प्रयोग से विद्यार्थी सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, फलस्वरूप उनका अधिगम अस्थायी रूप ले लेता है। अधिगम सामग्री रुचिकर होने के कारण विद्यार्थियों के अवधान को एकाग्र करने में सहायक होती है और वे कक्षा कक्ष में शांतपूर्वक शिक्षक की बातों को आत्मसात कर पाते हैं। अधिगम सामग्री का उद्देश्य अधिगम को संवर्धित करने एवं अधिगम को अर्थपूर्ण व अस्थायित्व प्रदान करने के लिए होता है। अब हम लोग पर्यावरण अध्ययन में अधिगम संसाधनों की विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना होगा कि यदि विद्यार्थी किसी विषय विशेष को पढ़ने के लिए जिज्ञासु है तभी वो उस विषय को पढ़ पाएगा, अन्यथा हम उन्हें पढ़ाने में विफल रहेंगे। इस तथ्य से यह बात निकल कर आती है कि क्यों हमें पर्यावरण अध्ययन जैसे विषय को विद्यार्थियों से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्यों हमें किसी प्रकरण को पढ़ाते समय अधिगम सामग्री के चुनाव में सजगता व सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि यदि हम अधिगम सामग्री का चुनाव इस प्रकार करेंगे जो विद्यार्थियों के वातावरण से मेल नहीं खाता है या जिससे वे अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं, तो शिक्षक का प्रयास विफल होने की संभावना प्रबल रहती है। इसके साथ ही विद्यार्थी की जिज्ञासा एवं सृजनशीलता के बाधित होने का खतरा बराबर बना रहता है। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि पर्यावरण के विभिन्न रूप हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं, चाहे वह त्यौहार मनाती स्त्रियां हों या भारत के सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जनजाति लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हो, उनकी बुनाई हस्तशिल्प कला का नमूना हो, या केरला जैसे सुदूर दक्षिण भारतीय राज्य में नौकायन प्रतियोगिता हो, या फिर महिला सशक्तिकरण का नमूना भी हम चित्र में देख सकते हैं। जैसा कि आप अन्य चित्रों में देख सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसकी छवि यहाँ दिखाई दे रही है, हरित क्रांति का दृश्य दिखाई दे रहा है, सौर ऊर्जा दिखाई दे रही है। आप चित्र में देख सकते हैं कि अत्यधिक मात्रा में खनन हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, भूकंप की विभीषिका भी दिखाई दे रही है। इस चित्र में एक दिलचस्प वाक्य हम चित्र संख्या एक में देख सकते हैं, जहां औरतों ने अपने आप को पेड़ से चिपका के रखा है, जो कि हमें चिपको आंदोलन की याद दिलाती हैं, जिसमें सर सुंदरलाल बहुगुणा के अथक प्रयास से उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने का बहुत ही बड़ा प्रयास किया गया था। अब आगे हम लोग पर्यावरण अध्ययन में अधिगम संसाधन के महत्व पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति, नैतिक व्यवहार
एवं नैतिक जिम्मेदारी के बोध का उन्नयन होता है और यह तभी संभव है जब इस विषय को उबाऊ बनाने से रोका जाए। इसके लिए आवश्यक है कि पर्यावरण को करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाए, जो कि शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए पर्यावरण अध्ययन जैसे महत्वपूर्ण विषय में अधिगम सामग्री का महत्व स्वतः ही परिलक्षित होता है। पर्यावरण अध्ययन को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन को जानने व समझने के लिए पुस्तकों से हटकर असल जिंदगी में होने वाली भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक घटनाओं का अवलोकन करना आवश्यक हो जाता है। घर में एवं घर से बाहर कदम रखते ही पर्यावरण की समझ शुरू हो जाती है। पर्यावरण अध्ययन लोगों को सजग और जागरूक बनाता है कि कैसे वे पारिस्थितिकीय व सामाजिक रूप से समपोषणी समाज का निर्माण करें। अतः स्थानीय संसाधनों का उपयोग सृजनात्मकता के साथ साथ अधिगम सामग्री के रूप में करके पर्यावरण अध्ययन को सरल, सहज और प्रभावी बनाया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन से मिलने वाला लाभ केवल परीक्षा में प्राप्त होने वाले अंकों तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह जीवन शैली को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। पर्यावरण अध्ययन जैसे विषय विद्यार्थियों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाता है और इसके संरक्षण के लिए पुख्ता कदम उठाने के लिए प्रेरित भी करता है। अतः पर्यावरण अध्ययन की प्रभावशीलता के लिए स्थानीय, प्राकृतिक तथा मीडिया संसाधनों का उपयोग जरूरी हो जाता है। आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा संसाधनों के प्रकार एवं उनका उपयोग, इस पर हम लोग दृष्टिपात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से विद्यालयों, संग्रहालयों, चिड़ियाघरों, प्रकृति केंद्रों, सरकारी अभिकरणों, संघों एवं निजी उद्योगों के मध्य सहकार्यता को, शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को विस्तार देने, समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के बारे में विविधतापूर्ण नजरिया उपलब्ध कराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अधिगम अनुभवों और पेशेवर शिक्षा के अवसरों को प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। जैसा कि सामने चित्र में हम देख सकते हैं कि पर्यावरण अधिगम के लिए विभिन्न संसाधन हैं, जैसे कि समुदाय के संसाधन, संस्थानीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मीडिया संसाधन, प्रौद्योगिकी संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। इन संसाधनों का हम सिलसिलेवार तरीके से आगे चर्चा करते हैं। पहला, समुदाय के संसाधन। एक सटीक शिक्षा व्यवस्था की नींव इस बात पर टिकी होती है कि उसमें स्थानीय समुदाय का कितना योगदान होता है। विद्यालय समाज के हित में समाज द्वारा स्थापित संस्थान होता है। विद्यालय समाज की उपज है, अर्थात समाज में होते हुए भी यह समाज को जागृत एवं समाज का सुधार करने के लिए होता है। परंतु यह समाजोपयोगी कार्य समुदाय की सहभागिता के बिना संभव नहीं है। आप यह समझ सकते हैं कि प्रतिदिन का कार्यानुभव हर व्यक्ति को विशेषज्ञ बनाता है। इसीलिए माली, लोहार, बढ़ई आदि भी उपयोगी सामुदायिक संसाधन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक एक किसान को विद्यालय में आमंत्रित कर सकता है ताकि किसान विद्यार्थियों को पौधों के बारे में व्यवहारिक एवं अर्थपूर्ण ज्ञान का सृजन करने में सहायता कर सके। इसी क्रम में हम यह समझ सकते हैं कि स्थानीय चिकित्सक की सहायता से विद्यार्थियों को मानव शरीर तथा स्वास्थ्य व सफाई से जुड़े तथ्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। इसी प्रकार समुदाय के बुजुर्ग जैसे दादा दादी व नाना नानी छोटे बच्चों को मज़ेदार लोक कथाएं सुनाने के लिए इच्छुक होते हैं। अतः शिक्षक उन्हें विद्यालय में आमंत्रित कर सकता है यदि समुदाय का कोई भी सदस्य स्वेच्छा से अपना बहुमूल्य योगदान देना चाहे तो शिक्षक को उसे सहर्ष ही आमंत्रित कर लेना चाहिए। इसी प्रकार लोक कथाओं के माध्यम से कठपुतली नाटक को भी पर्यावरण अध्ययन से जोड़ सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है संस्थानीय संसाधन। संस्थानीय संसाधनों में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान बहुत ही प्रभावशाली स्थानीय अधिगम संसाधन हो सकते हैं। प्रत्येक संस्थान का
अपना विशिष्ट अधिदेश तथा दृष्टि होती है, जो कि अंत में समाज के विकासोन्मुखी एवं आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहभागिता करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए शिक्षक द्वारा संबंधित प्रासंगिक संस्थानों के निरीक्षण का नियोजन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत सरकारी अस्पताल, बस अड्डे, डाकघर, पुलिस थाने, सार्वजनिक पुस्तकालय, बैंक, पशुओं के अस्पताल, ग्राम पंचायत के कार्यालय तथा नगर निगम के कार्यालय आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। संग्रहालयों व ऐतिहासिक स्थलों के अंतर्गत हम ऐतिहासिक महत्व की इमारतें, शीतगृह, प्रयोगशालाएं, बांध, ऐतिहासिक महत्व के शैक्षणिक संस्थान जिनमें विश्वविद्यालय भी शामिल होते हैं, चिड़ियाघर, पार्क एवं बगीचे इत्यादि भी शामिल हो सकते हैं। व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अंतर्गत हम बिजली घर की इकाइयां, विद्यार्थियों को दिखाने योग्य सुरक्षित कारखाने, शॉपिंग मॉल व स्थानीय बाजार आदि भी संस्थानीय संसाधन हो सकते हैं। समय समय पर लगने वाले स्थानीय मेले विद्यार्थियों के अधिगम के लिए रोचक अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। मेले में भ्रमण के दौरान विद्यार्थी यह सीख सकते हैं कि बाजार में कैसे कार्य होता है, साथ ही वह बाजार में लगी दुकानों के माध्यम से वहाँ की स्थानीय परंपराओं, रीति रिवाजों, जीवन शैली, खान पान की आदतों को जान व समझ सकेंगे। तीसरा संसाधन है अधिगम संसाधन के रूप में प्रकृति के तत्व। पर्यावरण अध्ययन के लिए सर्वोत्कृष्ट अधिगम संसाधन प्राकृतिक पर्यावरण है। चूंकि मनुष्य इसी प्राकृतिक पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है, अतएव विद्यार्थी द्वारा पर्यावरण से अधिगम स्वाभाविक होता है। पर्यावरण को प्रकृति से अलग करके कक्षा में पढ़ाना ठीक उसी प्रकार है जैसे मरी हुई मछली को दिखाकर उसके इतराने और तैरने की विशेषता बताना। पर्यावरण अध्ययन को सिर्फ एक सामान्य विषय की तरह समझना भूल होगा, क्योंकि सभी विषय अपने तरीके से पर्यावरण अधिगम को संवर्धित करने में मदद करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा कक्ष की अपेक्षा बाह्य शिक्षा और अनुभवात्मक शिक्षा का ज्यादा महत्व है। प्रकृति के तत्व जैसे पहाड़ियाँ, घास के मैदान, वन, सागर इत्यादि भी विद्यार्थियों के कौतूहल को बढ़ाकर उनमें जिज्ञासा पैदा करते हैं। इसलिए एक शिक्षक होने के नाते अगर आप अधिगम अवसर की तलाश करते हैं जिससे विद्यार्थी प्रकृति में उपलब्ध तत्वों से सीख सके, तो अधिगम को प्रोत्साहित करने का आपका कार्य बहुत ही सहज हो जाता है। चौथा है मीडिया संसाधन। आज हमारे पास मीडिया संसाधन के अपार भंडार उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शैक्षिक संभाव्यता कई प्रकार से नवोन्मेषी तरीकों से शिक्षा देने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, फिल्म, वीडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि सभी कक्षा में पूरी दुनिया का ज्ञान उड़ेलने की संभावना प्रदान करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए मीडिया के उपयोग का एक विशेष लाभ यह है कि विद्यार्थी समसामयिक पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में सीखते हैं। उन्हें किसी मुद्दे पर विविध दृष्टिकोणों व नज़रियों के बारे में पढ़ने व समझने का अवसर भी मिलता है। लोक कथाएँ और पारंपरिक मीडिया जैसे नृत्य, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली का खेल और मुखानुभाव जैसे मीडिया भी पर्यावरण एवं विकास के संदेश को विद्यार्थियों के साथ साथ समुदाय के लोगों तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मीडिया संसाधनों के अनेक उदाहरण मौजूद है जिन्हें हम आगे संक्षिप्त रूप से देखते हैं। स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र, पत्रिकाएं जैसे सफारी, नेशनल ज्योग्राफिक, डाउन टू अर्थ, विज्ञान दर्शन और गोबर टाइम्स आदि। टेलीविज़न चैनल अगर हम लेते हैं तो उसमें डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, ट्रेवल एंड लिविंग चैनल, ये सारे चैनल पर्यावरणीय विषयों को बहुत ही आसानी से और दर्शकों के लिए सहज बनाकर दिखाते हैं। रेडियो कार्यक्रम
में जैसे ज्ञान भारती, विविध भारती, ज्ञान दर्शन एवं स्वयं प्रभा चैनल इत्यादि रेडियो कार्यक्रम के द्वारा शैक्षणिक ज्ञान की अभिपूर्ति करते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित वेबसाइट्स व पोर्टल भी, चित्रकारी तथा प्रदर्शनियाँ, ये सभी संसाधनों में शुमार किए जा सकते हैं। पांचवा है प्रौद्योगिकी संसाधन। प्रौद्योगिकी संसाधन शिक्षकों को विद्यार्थियों के समक्ष अमूर्त संप्रत्ययों को प्रस्तुत करने में तथा सुदूरवर्ती परिघटनाओं को कक्षा में उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। वीडियो टेप, कंप्यूटर सिमुलेशन तथा वीडियो डिस्क, सभी माध्यम बाहरी दुनिया को कक्षा में उपलब्ध कराने के सुगम तरीके हैं। उदाहरण के लिए विंडोज ऑन साइंस, जो कि अचल जीवन व सचल चित्रों का एक अद्भुत संकलन होता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को अकल्पनीय विचारों एवं संरचनाओं को प्रदर्शित करने का माध्यम उपलब्ध कराती है। ज्वालामुखी का उद्गम, भूकंप से होने वाली तबाही का मंजर, चक्रवात की विभीषिका आदि से संबंधित प्रकरणों को कंप्यूटर पर स्लाइड्स, आकृतियों व फिल्म क्लिप्स के जरिए विद्यार्थी वास्तविक रूप में देख सकते हैं और इसका जीवंत ज्ञान का आत्मसात कर सकते हैं। इस तरह के प्रकरणों से अर्जित अधिगम पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त अधिगम से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होता है। विद्यार्थी भी इसमें पूर्णतया सचेत एवं लयबद्धता के साथ विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। छठा है मानव निर्मित संसाधन, जिसके अंतर्गत पर्यावरण शिक्षण अधिगम हेतु हम कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्माण व प्रयोग करते हैं जो कि प्रभावी अधिगम परिस्थिति बनाने में सक्षम होते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, ग्लास, रद्दी कागजों और धागे से बनी अधिगम सामग्री, जो या तो बहुत कम खर्चीली होती हैं या बिना किसी खर्च के ही निर्मित हो जाती हैं। मानव निर्मित अधिगम संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक अध्ययन, मॉडलिंग तथा किसी अमूर्त तथ्य को मूर्त रूप देने में किया जाता है। उदाहरण के लिए डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को बनाने के लिए लोहे के पतले तार तथा विभिन्न रंगों की मोतियों की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी संसाधनों के साथ साथ अस्पष्ट नीति निर्धारण, राजनैतिक इच्छा शक्ति, पर्यावरण से संबंधित सामग्री का स्थानीय भाषा में उपलब्धता, यह सभी दक्ष शिक्षक के पर्यावरण अध्ययन के प्रभावी शिक्षण के लिए पूर्वापेक्षित है। आज की चर्चा में हमने जाना कि पर्यावरण अध्ययन में अधिगम संसाधन की क्या महत्ता है, साथ ही पर्यावरण अध्ययन में मुख्यतः कितने प्रकार के अधिगम संसाधन हो सकते हैं तथा इन अधिगम संसाधनों की क्या उपयोगिता है। आज की चर्चा बस इतनी ही, अगली चर्चा पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।